राम राम साहब, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आचार संहिता क्या है? अक्सर चुनाव आते हैं तब हमें ये सुनने को मिलता है कि आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के समय लोग कोई भी इल्लीगल कार्य करने से अधिक डरते हैं, पर आखिर ये आचार संहिता है क्या? क्या है इसके नियम और कितने दिन तक यह रहती है? कौन इसे लागू करता है और इस दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखने चाहिए? ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जब चुनाव का समय आता है तो इन चुनावों को निष्पक्ष रूप से पूरा करने के लिए 25 जनवरी 1950 को एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग। इसी निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों को आचार संहिता कहते हैं। अब जैसे ही चुनाव आते हैं और निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख तय करता है, तभी से आचार संहिता लागू होती है और चुनाव पूरे होने तक रहती है, यानी चुनाव की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके सभी कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस अवधि में केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर सकती। प्रशासन पर पूरे तरीके से निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से अधिकारियों का ट्रांसफर और उन्हें कार्य सौंप सकता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर नई सरकार के गठन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और इन चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए आचार संहिता लगाई जाती है, जिससे चुनाव आयोग को कई अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और इन अधिकारों के कारण कोई भी इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आचार संहिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जाति या धर्म के आधार पर मतभेद या घृणा की भावना नहीं फैलाई जा सकती। राजनीतिक दलों द्वारा की गई आलोचना किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होनी चाहिए। यह केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यालयों तक ही सीमित रहे। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी सभा के लिए नहीं किया जा सकता। वोट लेने के लिए भ्रष्ट आचरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी रिश्वत देना, शराब बांटना या मतदाताओं को धमकाना आदि ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते। बिना अनुमति के किसी के घर या दीवार पर कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकता। किसी की भूमि पर बिना उसकी सहमति के कोई भी जुलूस या सभा नहीं की जा सकती। यदि कोई दल निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हुए जुलूस या सभा का आयोजन कर रहा है तो दूसरे दल द्वारा उसमें बाधा नहीं डाली जा सकती। राजनीतिक दल ऐसे कोई भी विवादित बयान नहीं दे सकते जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हो। सभा करने से पहले सभा के स्थान व समय की सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए और लाउडस्पीकर की अनुमति भी पहले से लेनी चाहिए। यदि कोई किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना चाहते हैं तो जुलूस का समय, स्थान या मार्ग के बारे में पुलिस को पहले से ही सूचना देनी होगी, जिससे यातायात प्रभावित न हो। एक से अधिक राजनीतिक दलों का एक ही दिन एक ही मार्ग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय परिवर्तन से संबंधित पहले से निर्णय लेना चाहिए। जुलूस में उत्तेजित या शांति भंग करने वाली चीजों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने या जलाने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को लाभ पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग कोई भी नेता या राजनीतिक दल चुनाव के प्रचार में नहीं कर सकता। आचार संहिता के समय किसी भी राजनेता द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन आदि कुछ नहीं हो सकता। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार के साथ नहीं मिला सकते, यानी किसी मंत्री को कहीं सरकारी कार्य से दौरा करना हो तो उसके साथ वो चुनाव को प्रचार नहीं जोड़ सकता, यानी साथ साथ प्रचार नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यानी आचार संहिता के समय चुनाव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और यदि किसी का ट्रांसफर या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो आयोग की अनुमति पहले से लेनी होगी। यदि चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी का ट्रांसफर आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो गया हो और दूसरी जगह उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो और इस समय आचार संहिता लागू हो जाए तो वह व्यक्ति नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता, उसे यथापूर्ण स्थिति में रखा जाएगा। कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा के लिए राज्य या चुनावी क्षेत्र के किसी चुनाव से संबंधित अधिकारी को नहीं बुला सकता। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा और इस दौरान भी वे उसे चुनाव प्रचार या किसी राजनीतिक गतिविधि से नहीं जोड़ सकते।
चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री या राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी रंग की बीकन लाइट अथवा किसी भी प्रकार की सायरन सहित कार का प्रयोग नहीं कर सकता। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर निषेध है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारी धन से कोई भी अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति का उपयोग किसी भी पार्टी या नेता के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। बलिदानियों के सम्मान के लिए राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री कर सकते हैं या उसमें भाग ले सकते हैं, परंतु इनके भाषण बलिदानियों के बलिदान और उनके बखान तक ही सीमित होने चाहिए। इन भाषणों में कोई भी राजनीतिक भाषण या सत्ताधारी पार्टी के उपलब्धियों का बखान या उनका वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। यानी चुनाव से हटकर किसी भी विषय पर उत्सव समारोह सभा वगैरह हो तो उसमें प्रचार नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र उसी विषय पर बात की जाएगी। केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होती है। उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे सफेद कागज पर होगी और उसमें कोई भी प्रतीक चिन्ह, उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा इत्यादि। मित्रों, नियमों की लिस्ट काफी लंबी है, पर आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।